कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के रोड शो में आज भारी भीड़ उमड़ी और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। प्रियंका गांधी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने इतना प्रेम से मेरा स्वागत किया और इतनी देर तक मेरा इंतजार किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। फौजी फौजी फौजी, श्रीमती प्रियंका गांधी ने नारे लगाए। ये जो फौजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे देश में सबसे ईमानदार उम्मीदवार ये है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपने देश के लिए शहीद होने की भावना जिसके दिल में है, जिसे इनके दिल में थी और है, वैसे उम्मीदवार आपको बहुत कम मिलेंगे। सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं कि ये आदमी ईमानदार मेहनती है और आपके लिए काम करके दिखाएगा। पिछले चुनाव में विधानसभा में ये लड़े थे, आपने मात्र 2000 वोट से हराया। अब ये गलती फिर से मत करना, ये आपके लिए समर्पित है। इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता का लालच है, ना पैसों का लालच है, इनको सिर्फ एक लालच है कि मैं सेवा करूंगा। तो आप सबसे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में आप इनको जिताएंगे। आपने 10 सालों में सब कुछ देख लिया, आपने बड़े बड़े झूठे वायदे देख लिए, आपने बड़े बड़े झूठे वादे देखे हैं, आपने देश के सबसे बड़े नेता को देखा है जिसने सिर्फ आपको गुमराह किया है। चुनाव के समय सिर्फ आपके जज्बातों को उभारते हैं। धर्म की बात करें, आपके जज्बातों को उभार कर आपसे वोट लिया है, आपको चुनाव नहीं दिया, आपको कुछ दिया नहीं है, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया है। देश की संपत्ति चाहे हवाई अड्डे हो या बंदरगाह, सब बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया है। आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 16000 करोड़ रुपए अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए खर्चे और किसानों को बकाया 15000 करोड़ था, पूरे देश का वो बकाया पूरा नहीं किया, अपने लिए हवाई जहाज खरीदे। ऐसे नेता आज गद्दी पर बैठे हैं जो आपसे सच नहीं बोलते, जिन्होंने इनड्यूएबल छोड़ दिया है, जो अपने महल में रह रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।